नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग सेंटर में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग एवरेज का क्लास खत्म कर चुके हैं, आज पुनः नए चैप्टर लेकर स्टार्ट हाजिर हुए हैं टाइम इन वर्क के। टाइम इन वर्क के क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट बार पहले जानेंगे कैसे उसको बनाएंगे, ठीक ना। और इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे क्या होता है न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक। चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की ओर। आज हम देखेंगे टाइम इन वर्क। टाइम इन वर्क है क्या, देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ते थे तो अंडर टेन में हम लोग कैसे पढ़ते थे, मान लेते कोई कहता था ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी जो है उसका 10 दिन में करता है, तो क्या करते थे 1/5 और प्लस 1/10 कर देते थे। दोनों कैल्सियम क्या होता था, 10 होता है और क्या होता है 2 + 1 = 3/10, इसको इतना हो जाता था। तो ये चीज को हमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। हम कैसे बनाएंगे थोड़ा हम देखेंगे। पहले दोनों कैल्सियम निकाल देंगे, दोनों कैल्सियम कितना होगा 10 होगा, 10 होगा तो यानी एक दिन और एलसीएम को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10 सदस्य। ये क्या हो गया क्षमता, ये क्या हो गया क्षमता कैपेसिटी, यानी ये जो है एक दिन में इतना जो है बाल्टी पानी भर सकता है, इससे ज्यादा नहीं भर सकता है। आप भी जितना भी काम करेगा तो इतना जो है बाल्टी पानी भर सकता है, इससे ज्यादा नहीं भर सकता है। तो देखेंगे यानी ए प्लस बी काम कैसे करेगा भाई, तो कुल काम अब बाटा में क्षमता, ठीक। तो कुल काम कितना है मेरा, कुल काम 10 है तो 10 भाई क्या हो जाएगा 3, इसको कटाएंगे तो 3 × 3 = 3 हो जाएगा, इतना दिन लग जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं, ये तो समझने के लिए बताए हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हम लोग सागिर अहमद के बुक से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी शुरू से अंत तक हम लोग बनाएंगे, ठीक। चलिए आप लोग बोर्ड पर स्क्रीन पर देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है। पहला क्वेश्चन है ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी किसी काम को 6 दिन में करता है। तो हम बताए थे कि इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम कितना होगा 8×24 और कितना हो जाएगा 8×24 हो जाएगा, दोनों के 8 और 6 के एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब बताए थे कि दिन को और कुल काम, ये क्या हो जाएगा मेरा कुल काम हो गया। तो दिन को और कुल काम से भाग क्या करेंगे, कुल काम को दिन से भाग देंगे, तो भाग देंगे कितना होगा 8×24 आई कि ना 6×24, ये क्या हो गया मेरा क्षमता, यानी ये कभी भी काम करेगा तो दिन एक दिन में इतना ही बाल्टी पानी भर सकता है, यानी 3 बाल्टी पानी भर सकता है। अभी जो है एक दिन में 4 बाल्टी कितना भी काम करेगा तो 4 बाल्टी भरेगा, तो यानी ए प्लस बी कितना काम करेगा भाई ए प्लस बी। तो अब क्या बताए थे कुल काम अब बटा में क्षमता कैपेसिटी, तो क्या हो जाएगा इसका यानी 24 अब भाई कितना हो जाएगा 7, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 से 3 × 3 = 3 ऊपर ले गया 7 हो जाएगा, इतना दिन में काम कर लेगा, कितना दिन में काम करेगा 3 × 3 = 7 में। चलिए इसी टाइप के हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है स्क्रीन पर देख लीजिए, ए किसी काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है, ये जो है किसी काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है और बी इसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करें, तो सेम उसी प्रकार दोनों के एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 10 भाग दे देंगे यानी 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो मेरा हुआ क्षमता हो गया। तो ए प्लस बी काम कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी यानी कुल काम यही हुआ ना मेरा, कुल काम ये मेरा हुआ, तो कुल काम कितना है कुल काम 10 है भाई, क्या करेंगे हम लोग 3 करेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 1/3 दिन में, 3 × 1/3 दिन में ये समाप्त कर देगा, ठीक ना। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन लेके चलेंगे। आप लोग अगर इस
इस क्वेश्चन को अगर बनाने लिखना चाहते हैं तो आप लोग रेडी रहिएगा लिखने के लिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब थ्री नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थ्री नंबर है क्या, कह रहा है कि एक्स और वाई एक काम को आठ घंटे में कर सकते हैं। एक्स और स्क्रीन पर देख लीजिए, एक्स प्लस वाई किसी काम को आठ घंटा में कर सकते हैं, आठ घंटा में कर सकते हैं। अब कह रहा है कि ए एक्स अकेला बारह घंटा में, एक्स अकेला जो है बारह घंटा में कर सकता है, ठीक। तो कह रहा है कि वाई अकेला कितना दिन में करेगा, तो उसी तरह करेंगे, दोनों के एलसीएम ले लेंगे। आठ और बारह के एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 18 का 24, 12 दूनी 24, क्या हो गया मेरा क्षमता हो गया, ये क्षमता हो गया। अब बताइए कि एक एक्स का ओनली फोर यानी केवल एक्स का क्षमता कितना है, दो है, और एक्स प्लस वाई का क्षमता कितना है, तीन है। तो यानी इसमें दो का इंक्लूड है ना एक्स का, तो यानी याद रखिए कि अगर इसमें दोनों का इंक्लूड है तो क्या करेंगे, एक्स वाई में से एक्स घटा देंगे तो क्या हो जाएगा वाई, वाई की क्षमता है वन है, तो और वन क्षमता हो गया, ये कितना हो गया, कुल काम 24 हो गया, 24 हो गया। तो क्या नियम बताए हैं, यानी बताए हैं कि वाई के काम बराबर हो जाएगा कुल काम यानी 24 बटा में कुल क्षमता, ये क्षमता हो गया ना, तो क्षमता को वन से भाग देंगे यानी कितना दिन में, 24 दिन में। आप लोगों को तो खुद ये समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देखते हैं। अच्छा ये बताइए इसका क्षमता कितना दिया है, थ्री दिया है, कि इसका कितना दिया, टू दिया है। अच्छा बताइए कि एक्स का केवल क्षमता टू दिया है, इसमें एक्स और वाई का क्षमता दिया, अगर इसमें से एक्स वाई में से एक्स को घटा देंगे तो क्षमता उसका बच जाएगा एक, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चार नंबर क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्योंकि टाइप वाई चलेंगे, थोड़ा टाइप से हट के है। देखेंगे पांच नंबर, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितना दिन में करते हैं, इतना दिन में। तो चलिए ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 24 दिन में, 6 दिन में और 12 दिन में, दोनों कैल्शियम ले लेंगे, तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 24, एक से 24 में 24 से भाग देंगे, 24 एक बार हो जाएगा, 6 को 6 से भाग देंगे 24 में, 24 होगा, 12 दूनी 24 हो गया, ये क्या होगा मेरा क्षमता, ये क्या होगा मेरा क्षमता, ये कितना भी काम करेगा तो ये एक दिन में इतना ही बाल्टी पानी भर सकता है, ठीक ना। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर, क्वेश्चन देख लीजिए, तीनों मिलकर कह रहा है तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो कितना होगा कुल क्षमता, कितना हो गया मेरा 4 2 6 1 7, यानी कि लिखे थे कुल काम, कुल काम बटा में क्षमता, तो कुल काम कितना हो गया 24/7 21 3 × 1/7 दिन। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इससे थोड़ा भिन्न है, तो घबराने की बात नहीं है, हम उस पूर्णतः इसको सोल्व कर समझा कर बताने की कोशिश करेंगे, और जो भी हम ये बता चुके हैं ये आप लोगों को पूर्णतः मेरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख लीजिए, ए प्लस बी मिलकर 72 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 72 दिन में, ठीक, बी प्लस सी जो है 120 दिन में, बी प्लस सी बराबर 120 दिन में, और C प्लस ए 90 दिन में, C प्लस ए जो बड़ा है 90 दिन में। देखिए वही है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा A प्लस बी दिया है ना, A प्लस बी की क्षमता दी दिया है इतना दिन में, ठीक, ये भी 120 दिन में दिया है, ये भी 90 दिन में दिया है। क्या बताए थे कि सबका एलसीएम निकाल दीजिए, तो 72 120 और 90 के एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो डायरेक्ट इसका आएगा 360, यानी 72 में इससे भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, ये 12 + 36 हो जाएगा, और 9 × 36 हो गया, ये क्या हो गया मेरा क्षमता हो गया, ये क्या हो गया मेरा क्षमता। अब बताइए ये क्षमता हो गया तो सबका डबल डबल किया हुआ, यानी ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए सी प्लस ए, यानी 2 को ए है, 2 सी है, 2 बी है, तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a + b + c = अभी देखिए कितना क्षमता है, 4 5 4 9 3 12 हो गया। अब देखेंगे
और ए अकेले उस काम को कितना देर में करेंगे, पहले हम क्षमता ए प्लस बी का पहले निकाल लेंगे। देखिए तो इधर गुना है, इधर आके कट जाएगा क्या, यानी 6 दिन हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे क्या करेंगे कि ए का हमको पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ए का। अच्छा ये बताइए ए प्लस बी के कुल क्षमता कितना दिया हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए का वैल्यू निकालना है। अच्छा ये बताइए ए प्लस बी प्लस सी, सी का वैल्यू कितना क्षमता है, इतना। आप अब देखेंगे इसमें कहां पर ए नहीं है, तो बीसी में से कुल क्षमता में से बीसी को घटा देंगे तो क्या निकल सकता है क्या, तो हम ऐसे कर सकते हैं क्षमता घटाने के लिए, क्षमता घटा दीजिए, यानी क्या इसका ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी का क्षमता घटा दीजिए, तो यानी 6 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 3, यानी किसका क्षमता हो गया 3, यानी ए का, ए का क्षमता हो गया 3, ए का क्षमता 3 हो गया। अब देखेंगे अब क्या बताए थे कि कितना दिन में काम करेगा, दिन निकालने के लिए क्या नियम है, दिन बराबर निकालते हैं कुल काम, कुल काम बाई क्षमता, तो कितना हो जाएगा 360 बाई 3 12 × 36, यानी 120 दिन में ये खत्म कर देगा, ठीक ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सागिर अहमद का बुक का है, चलिए कह रहा है क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पर, राम और रतन, राम प्लस रतन, यानी राम प्लस रतन, आर ए टी लग देते हैं, राम में आ जाने, रतन कितना दिन में काम करते हैं 12 दिन में, ये कितना दिन में करेंगे 12 दिन में करेंगे, ठीक ना। अब कौन कह रहा है कि रतन प्लस सुधीर, इसको राम पूरा लिख देते हैं, अब कह रतन, रतन प्लस सुधीर, सुधीर कितना दिन में करेंगे भाई, तो 8 दिन में, ये 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक ना। अब कह रहा है कि सुधीर प्लस राम, अब कह रहा है सुधीर प्लस राम कितना दिन में करेंगे 15 दिन में। अब देखेंगे दोनों को एलसीएम निकाल देंगे, दोनों को एलसीएम निकाल देंगे, तो कितना एलसीएम होगा, तो 12 × 60 5 × 60 ये नहीं कटेगा तो 120 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 10 बार में चल जाएगा 8 × 8 8 × 45 15 बार में चल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 × 8 = 20, ठीक ना। अब ये क्षमता हो गया मेरा, ठीक ना। अब देखेंगे दोनों लिखेंगे 2 × r प्लस रतन प्लस सुमित बराबर कितना हो जाएगा, कुछ कितना क्षमता हो गया, तो कितना हो जाएगा 10 × 8 = 13 कैरी 1 = 33 कितना हो गया 33। अब देखेंगे ये तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे। अब क्या कह रहे क्वेश्चन कि राम अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो राम अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो पहले बोलेंगे r प्लस s बराबर 33 बाई कर सकते हैं का 2। अब कह रहे हैं राम अकेले, तो देखेंगे किसमें राम नहीं है, तो किसमें राम नहीं है, तो देखिए तो रतन प्लस सुती है, ये है, तो इसमें से घटा सकते हैं, तो यानी क्षमता घटा दीजिएगा, तो क्षमता घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 - 33/2 दोनों कैल्सियम कितना हो जाएगा 2, यानी 30/33 में से क्या करेंगे हम लोग 15 को घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों कैल्सियम 2 हो जाएगा 33 - 15 × 30 यानी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, किसका आ गया मेरा, अब ये राम के आ गया, राम के क्षमता आ गया। अब बताए थे जब क्षमता आ गया तो दिन निकालने में दिक्कत नहीं है, तो दिन बराबर क्या होता है, दिन बराबर होता है कुल काम, कुल काम बटा में क्षमता, तो कुल काम कितना दिया है 120/3, यही देखो तो देखिए तो ये भाग है, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 36 × 12 = 40 × 80 80 दिन में ये काम खत्म कर देगा। चलिए दोस्तों आज का क्लास जो है हमारा यही समाप्त होता है, और जो इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, और हमको पूर्णतः विश्वास है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। दैट्स ऑल माय क्लासेस।